देखिए सच सच्चाई के साथ। आपला भारत देश घटना कायदा नियम यावर चालतो। आपण सर्व भारतीय देशाच्या कायद्याला घटनेला नियमांना मानतो आणि त्याप्रमाणे आपण चालत असतो। अयोध्या येथील राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या संदर्भामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिवाडा केला। न्यायनिवाडा करीत असताना सर्व बाजूंचं म्हणणं ऐकून पुरावे ते सर्व बघून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय केलेला आहे। मला वाटतं हा अतिशय ऐतिहासिक निर्णय आहे। हिंदू बांधवांच्या राम मंदिराच्या साठी 5 एकर जागा, मुस्लिम बांधवांच्या मशिदीच्या साठी 5 एकर जागा देण्याचे निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि म्हणून सर्व भारतीयांना आनंद होईल, अभिमान वाटेल, भारत देशाची अखंडता अबाधित राहील। अशा प्रकारचा अतिशय संयमित निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी दिलेला आहे। या निर्णयाचं आपण सर्वांनी स्वागत केलं पाहिजे। मी सर्वांना विनंती करेन की या निर्णयाचं स्वागत करीत असताना शांततेला गालबोट लागणार नाही। आलेल्या निर्णयाचा कोणीही मिसगाईड कोणाला करणार नाही याची आपण सर्वांनी काळजी घ्यावी। या निर्णयाच्या माध्यमातून मला वाटतं की जगाला दाखवून देण्याची संधी आपल्याला प्राप्त झालेली आहे की आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत। सर्व भारतीय मिळून राम मंदिर आणि मशिदीची उभारणी करण्याची संधी आपल्या भारतीयांना त्या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे आणि म्हणून या निर्णयाचं मी स्वागत करतो। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुक्न बेंच ने अयोध्या का जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, बाबरी मस्जिद जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी है और इंशाअल्लाह ता कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी, ऐसा हमारा ईमान है और मुसलमानों का हमारा सबका मानना है। हम इस जमहूरी मुल्कों के अंदर रहते हैं और यहाँ के आईन को, यहाँ के कानून को हम लोगों को मानना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है उसमें बहुत सारी खामियां हम लोगों को नज़र आ रही है और साफ तौर पर मेरा ये मानना है कि जो फैसला सुनाया गया वो इस मुल्क की मेजॉरिटी को खुश करने के लिए सुनाया गया है और जो इस मुल्क का माइनॉरिटी मुसलमान है उसके साथ नाइंसाफ़ी करने वाला फैसला सुनाया गया है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर ये बात का इकरार कर रहा है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद, वहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। ये भी फैसले के अंदर ये बात को इकरार किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो फैसला मुकम्मल अगर हम लोग देखें तो मुकम्मल तौर पर उस ज़मीन पे राम मंदिर बनाने का फैसला, राम मंदिर के हक में फैसला सुना दिया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुकम्मल केस को लड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस को लड़ा, जमीयतुल उलमा ने केस को लड़ा और मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब को
हम लोगों ने माली ताउन भी दिया था कि बाबरी मस्जिद के हक में फैसला किस तरीके से आया। आप लोग जो केस लड़ रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, मालेगांव शहर की आवाम का भी ताउन उसके अंदर होना चाहिए। मैं मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट जफर याब जिलानी साहब से मैं एक लेटर मैं उनको आज भेज रहा हूं और मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि मुकम्मल फैसले की कॉपी के अंदर जितनी खामियां है, जो साफ तौर पर नज़र आ रही है, उस खामियों को निकाल कर रिव्यू पिटीशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से मशवरा करके एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली मर्तबा भी माली तौन की मदद की थी और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम लोग हमारी तरफ से मालेगांव शहर की तरफ से माली तौन करने के लिए हम लोग तैयार है। बहरहाल फैसला से हम लोग दुखी है, हम लोगों को अफसोस है, हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी को खुश करने के लिए फैसला सुनाया गया है और माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी इस मुल्क के अंदर की गई है। ये बात मेरा जाती तौर पर यह मेरा मानना है और मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करूँगा कि ये एक कानूनी लड़ाई है जो आइंदा भी जारी रह सकती है, लेकिन हम लोगों को मालेगांव शहर के अंदर अमन व अमान के साथ हम लोगों को रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और हम लोग सब मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने फरीक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने भी केस लड़ा है, जितने एडुकेशन ने लड़ा है, जितने दीनी तंजीमों ने लड़ा है, हम लोग उनके मशवरे का इंतज़ार करें। मैं आप लोगों से मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें इस फैसले से ये फैसला हमारे लिए बहुत मायूसकिन और अफसोसनाक है और हम लोग इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकूक मिल्कियत में हक के मिल्कियत के सबूत और शवाहिद पर फैसला करेगा। अब फैसले की तफसीलात आने के बाद हमारे अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों के ऊपर इस तरह का फ़ैसला किया जो मुल्क के सेकुलर आवाम के लिए और इसी तरह मुसलमानों के लिए बहुत मायूसकुन और अफसोसनाक है। हम इस सिलसिले के अंदर अपने बड़ों की राय और गाइडलाइन के इंतज़ार में हैं और उनकी जो भी हमारी गाइडलाइन होगी इस सिलसिले में हम लोग वही रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन बहरहाल अमन व अमान कायम रखना और कोई ऐसा रास्ता जिससे जो है शांति को धक्का लगे, हम ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन हम इस फैसले में अगर कोई रिवाइज़ का रास्ता होगा तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू होंगे।